वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो ये प्रोग्राम को मैंने पाइथन के अंदर बनाया है, तो आप लोग देखेंगे कि लीप ईयर हमें बताना है प्रोग्रामिंग के थ्रू कि कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर है और कौन सा हमारा लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर बेसिकली वो होता है कि नॉर्मली जितने नॉर्मल ईयर्स होते हैं वहाँ पर जो फैब मंथ होता है तो उस फैब या फेबरी मंथ में 28 डेज आते हैं। तो आफ्टर 4 ईयर्स एक लीप ईयर आता है जिसके अंदर फैब मंथ में 29 डेज होते हैं, इट मींस 24 आवर्स ऐड होते जाते हैं। तो ये नॉर्मली बोला गया है कि जब अर्थ के चारों ओर डायरेक्शन जब घूमता है तो उसको पृथ्वी को घूमने में सन को घूमने में अराउंड 365 डेज जो लगते हैं प्लस 6 घंटे एक्स्ट्रा जो होते हैं वो हम ऐड करते जाते हैं। 365 प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स एंड 6 आवर्स। तो जब एक साल के अंदर 365 दिन के साथ साथ जब 6 आवर्स 6 घंटे लगते हैं तो आफ्टर अराउंड 24 आवर्स हो जाते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा बैठ जाता है वो। तो एक दिन एक्स्ट्रा वो हमारा फैब मंथ में काउंट होता है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल डेज जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं वहाँ पर 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो अब लीप ईयर बताना है हमें, तो ये आपको पता लग गया है कि लीप ईयर क्या होता है। जिस ईयर के फैब मंथ में या जिस ईयर में एक हमारा डे हमारा एक्स्ट्रा बैठता है एक्स्ट्रा आता है जहाँ पर 366 डेज हमारे 366 दिन जो है वो आ जाते हैं, तो वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया लीप ईयर का। अब हमें ये देखना है कि लीप ईयर का प्रोग्राम किस तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शंस के अंदर यूज़ करा है प्रोग्राम पाइथन टू चेक इफ ईयर इज लीप ईयर और नॉट। ईयर वाइज मैं 2000 के बेसिस पे चेक करूँगा एंड टू गेट ईयर इंटीजर इनपुट। यहाँ पर मैंने ईयर वेरिएबल्स के अंदर मैंने डेटा टाइप लिया है इंटीजर फॉर्म का, जो टाइप कास्टिंग के तौर पर वैसे यूज़ होता है, बट यहाँ पर मैं एंटर ईयर कर रहा हूँ 2020। इस लाइन के थ्रू 2020 करूँगा तो ये इंटीजर इसको सेव करेगा एंड देन ये लाइन जो है फ्रॉम द यूज़र एंड से होगी। इसके बाद इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए मैंने इफ एल्स का यूज़ करा है। तो 3 कंडीशंस पर हैं, ईयर डिवाइडेड बाय 4 एंड देन अगली कंडीशन है इफ कंडीशन, ईयर डिवाइडेड बाय 100 एंड द लास्ट कंडीशन इज ईयर डिवाइडेड बाय 400। इफ इट मींस अगर मैं कोई सा भी ईयर डालता हूँ और वो डिवाइडेड बाय 4 होता है तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, चाहे मैं 4 से डिवाइड करूं, चाहे मैं 100 से डिवाइड करूं, चाहे मैं 400 से डिवाइड करूं। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 2020 डिवाइडेड बाय 4 या 2021 डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर कहां पर आ रहा है कहां पर नहीं आ रहा है। तो यहां पर जहां पर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा दैट इज़ अ लीप ईयर। तो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है तीनों इफ कंडीशन के साथ, इफ एल्स कंडीशन के साथ। मैंने यहाँ पर जब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये प्रिंट कर देगा दैट ईयर इज़ अ लीप ईयर। तो चलिए एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। अब इस कोड को जब मैं रन करूँगा यहाँ पर तो ये मेरे से पूछेगा पहली लाइन जो होगी एंटर अ ईयर, सपोज मैं डालता हूँ 2020, तो 2020 क्या है मेरा, 2020 इज़ अ लीप ईयर। आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं 2020 इज़ अ लीप ईयर। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, 2020 फैब मंथ है, आप देखेंगे फैब में कितने डेज हैं 29 डेज, यानी कि एक डे हमारा एक्स्ट्रा बैठ रहा है दैट इज़ द 366 डेज। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये मेरा प्रोग्राम ठीक तरीके से बना है या नहीं। तो मैं एक बार इसमें एक बार और कुछ ईयर डाल के देखता हूँ दैट इज़ 2021। तो जब मैं यहाँ पर 2021 डालूँगा तो 2021 इज़ नॉट अ लीप ईयर, आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर में। तो 2020 अगर मैं ईयर वाइज चेंज करता हूँ, सपोज नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर देखूँगा तो फैब मंथ में मेरे 28 डेज आ रहे हैं, दैट इज़ मेरा ये प्रोग्राम की जो मैंने कंडीशंस लगाई हैं इफ एल्स कंडीशंस, ये मेरी बिल्कुल सही हैं। तो ये मेरा कोड है, अगर आप इस कोड को कॉपी करें एक बार खुद ट्राई करके देखें पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। पाइथन प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम है दैट इज़ द पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ ईयर इज़ अ लीप ईयर और नॉट। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो और वीडियो भी आपको अगर पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को आप ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।